नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस और गणेश प्रतिमाओं के निकलने वाले जुलूस को लेकर प्रशासन ने की बैठक। इसके बाद मुफ्ती ए आजम से कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शाम की बजाय सुबह जुलूस निकालने की बात रखी, जिस पर दोनों पक्षों के द्वारा खुशी से सहमति जाहिर कर दी गई। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना सिद्दीकी साहब ने मुस्लिम समाज के प्रत्येक लोगों से अपील की कि प्रशासन को व्यवस्था संभालने के लिए इस मुश्किल घड़ी में सहयोग करें और किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास ना करें। मुफ्ती आजम ने सभी को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए जुलूस में शामिल होने वाले युवाओं से अदब में रहने की बात कही है। गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी जुलूस और ईद मिलादुन्नबी का जुलूस प्रशासन के लिए एक साथ शाम को करवाना कठिन चुनौती थी, जिस पर उनके द्वारा मुस्लिम समाज से सुबह जुलूस निकालने की अपील की गई, जिससे उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया और प्रशासन के भी माथे की सिलवटें खत्म हो गईं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। نحمده ونصلي على رسوله الكريم میں مفتی اعظم مدھیہ پردیش محمد حامد احمد صدیقی تمام اہل سنت والجماعت کو عید میلاد کی مبارکباد دیتا ہوں آپ کو جیسا معلوم ہے इस साल ईद मिलाद और गणेश का त्यौहार एक ही दिन यानी जुमेरात 28 सितंबर को पड़ रहा है। उनका जुलूस भी शाम को निकलता है, हमारा भी शाम को निकलता है। एक बड़ी असमंजस उलझन वाली हालत थी, प्रशासन भी परेशान था, हम भी परेशान थे। कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई और सब ने इत्तेफाक राय से ये तय किया कि हम यानी मुसलमान ईद मिलाद का जुलूस बजाय शाम के सुबह निकाल लेंगे। यानी सुबह 9 बजे से आप जुलूस निकालें और 1 बजे के पहले अंजुमन पहुंच जाए। तो ये सब ने इत्तेफाक राय से जब ये फैसला कर लिया तो बड़ी सुकून और इत्मीनान की सांस हमने ली। मुझे जब मुशायद मियां आके मीटिंग में ये फैसला सुनाया, मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई कि हमने इत्तेफाक राय से एक सही फैसला किया। अब कुछ गुजारिशात हैं मेरी जो मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। हम किसकी यौम पैदाइश मना रहे हैं? एक ऐसी शख्सियत की जहाँ हमको हमारे बुजुर्गों ने सरापा अदब की तलखीन की है, तालीम भी दी है। मेरे अजीजों, आप निकालिए जुलूस, मगर पटाखेबाजी, ज़्यादा उल्टे सीधे नारे और ऐसी चीज़ों से बचिए जो खिलाफ अदब है। आप खामोशी से दरूद पाक पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए आराम से सड़क पर ऐसा मालूम हो कि आप बाअदब अपना त्यौहार मना रहे हैं, बाअदब निकलें। और मेरी गुजारिश है कि हमारी माएँ बहनें अपने घरों में रहकर दुरूद शरीफ पढ़ें, मिलाद करें, सड़कों पर आकर तमाशबीन की तरह उनका खड़ा होना किसी तरह भी शरी एतबार से मुनासिब नहीं है।
मैंने जो गुजारिशात आपसे की हैं, मुझे यकीन है कि आप इस पर पूरा पूरा अमल पैरा होंगे। और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि तमाम जुलूस इब्तिदा से इंतहा तक, यानी घर से आप अंजुमन तक, बिल्कुल बादब और दुरूद व मीलाद शरीफ पढ़ते हुए निकलेंगे। और मैं आप सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप जहाँ सारे मिल्लत के लिए दुआ खैर करें, मेरे हक़ में भी दुआएं खैर फरमाएं। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने इस उम्र ये उम्र अता फरमाई है, आगे भी आपकी दुआएं साथ रहें। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।